किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम है देवी भारद्वाज और आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसे कि आप ये टमाटर का खेत देख पा रहे हो, ये जैसे कि टमाटर का खेत ही हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से करा है और ये मान के चलो इसका एंड आ गया, आखिरी प्रोडक्शन इसका निकल रहा है। और आखिरी प्रोडक्शन किसान भाइयों आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यानी ये चौथा या फिर चौथा प्रोडक्शन है, चौथी बार इसको तोड़ाई करे इस टमाटर की खेत की। तो आपको ये एंड का प्रोडक्शन मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आखिरी प्रोडक्शन किस प्रकार से निकलता है। किसान भाइयों, जैसे कि आप ये खेत देख पा रहे हो, ये पूरा पौधा, ये मान के चलो एंड आने से पूरा पौधा पत्ते पूरे मुरझा गए, ठीक है। लेकिन मुरझाने के बाद भी आप ताजुब करोगे, प्रोडक्शन ये देखो, लाग देखो आप, लाग काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो पौधे का एंड आ गया लेकिन फिर भी पौधा प्रोडक्शन देना नहीं छोड़ा। और ये लाग देखो, अभी भी टमाटर लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये थोड़े कच्चे टमाटर है, पक्के टमाटर किसान भाइयों लग रहे हैं। अब इसका आपको बता दूँ आखिर प्रोडक्शन कैसा है। ये देखो, जैसे कि हमारी ट्रॉली है, इसके अंदर लोड हो रहा है किसान भाइयों। ये देखो, ये कुछ बच्चे है, हेलो कर दो, हेलो हेलो। तो ये कुछ बच्चे है और यहाँ पर ये ट्रॉली है किसान भाइयों। इस ट्रॉली के अंदर हम ये टमाटर लोड कर रहे हैं और ये देखो प्रोडक्शन, देखो किसान भाइयों प्रोडक्शन, और साइज़ देखो किसान भाइयों टमाटर के, साइज़ और कलर ये देखो काफ़ी अच्छा। और ज़्यादातर टमाटर के अंदर क्या शिकायत आती है कि टमाटर लूज़ पड़ जाता है किसान भाइयों, ठीक है। ये लूज़ नहीं पड़ रहा, पूरा एकदम पका हुआ टमाटर है, पूरा पका हुआ टमाटर है। एंड का प्रोडक्शन देखो, एंड के अंदर क्या प्रोडक्शन ख़राब हो जाता है और किसान भाई दिक्कत के अंदर आ जाता है, लेकिन ये जो टमाटर है ये रॉकी टमाटर है। और इसका प्रोडक्शन देखो किसान भाइयों, और साइज़ देखो काफ़ी इसका बेस्ट है। और यहाँ पे तो अभी कुछ ही क्रेट है, लेकिन आप वहाँ पे जाके देखोगे, मैं जूम करके बताता हूँ। ये देखो, ये कैरेटर का भंडार है, और ये देखो, और ये टमाटर है, ये कितने एरिया के अंदर निकल रहे है, ये 4 बीघा के अंदर, 4 बीघा यानी 1 एकड़ हो गया, हाँ। है ना, 1 एकड़ के अंदर से प्रोडक्शन निकल रहा है। ये देखो किसान भाइयों, और आप भी मैं ये कहता हूँ कि जैविक खेती की तरफ जाओ, जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग करो किसान भाइयों। तो जैविक खेती के अंदर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा निकलता है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा निकलता है। ये देखिए काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, और जैसे कि मैंने आज की वीडियो के अंदर बताया किस प्रकार से हमारा ये प्रोडक्शन निकल रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम किसान भाइयों।